हेलो नमस्कार दोस्तों, शिल्पी किचन में आपका स्वागत है। जैसे कि आपको पता है, मैंने पहले भी एक बेक मठरी की रेसिपी जो कि आटे से बनी थी उसको शेयर किया था और आपने उसको बहुत लाइक किया था। तो अब मैं ऐसी ही एक और दूसरी रेसिपी जो कि सूजी से बनी है उसके मठरी और ट्विस्टर्स की रेसिपी लेकर आई हूँ। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पर 1 कप सूजी ले लेंगे। यहाँ मैंने बारीक सूजी का इस्तेमाल किया है। अगर आपके पास मोटी सूजी है तो उसे मिक्सर में चला के पहले उसका पाउडर बना लें और फिर उसे यहाँ पे इस्तेमाल करें। अब यहाँ पे हम स्वाद अनुसार नमक ले लेंगे। यहाँ मैंने वैसे 1 बड़े चम्मच नमक का इस्तेमाल किया है। अब यहाँ पे हम आधी छोटी चम्मच अनियन सीड्स या जिसे कलौंजी बोलते हैं डाल देंगे, इससे इसका टेस्ट और अच्छा हो जाता है। और अब यहाँ पे 1/4 छोटी चम्मच लाल मिर्च का पाउडर डाल देंगे। ये ऑप्शनल है, अगर आप ना खाते हो तो इसे स्किप कर सकते हैं। और अब आधी छोटी चम्मच काले मिर्च का पाउडर ले लेंगे और इसे भी डाल देंगे। अब इसके बाद हम यहाँ पे आधी छोटी चम्मच चाट मसाला ले लेंगे, ये भी ऑप्शनल है। अगर आप चाहें तो इसकी जगह कोई दूसरे मसाले का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब यहाँ 2 बड़े चम्मच घी का ले लेंगे। अगर आपके पास घी नहीं है, रिफाइंड है, तो आप उसको भी ले सकते हैं, लेकिन सरसों तेल का इस्तेमाल यहाँ पे मत करिएगा, उससे इसका टेस्ट ख़राब हो जाएगा। और अब इन सब चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और हमें जब तक मिक्स करना है जब तक इसका टेक्सचर एकदम ब्रेड के क्रम्बल जैसा नहीं हो जाए। इस तरह से इसका टेक्सचर होना चाहिए। और अगर आप चाहें तो यहाँ पे कसूरी मेथी भी डाल सकते हैं। अब हम पानी डालेंगे और इसका एक सॉफ्ट सा डो बना लेंगे। जैसे आपको पता है कि जो सूजी होती है पानी बहुत ज़्यादा सोखती है, इसलिए हमें इसका एक गीला सा डो बनाना है। और अगर आप पहले ही हार्ड बना देंगे तो ये बाद में बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएगी। अब इसे हम 30 मिनट ढक के रख देंगे और ये देखिए 30 मिनट के बाद हमारा जो डो है कितना ज़्यादा हार्ड हो गया है। अगर ये आपको लगता है कि थोड़ा सा गीला है तो आप इसमें 2 से 3 चम्मच मैदा मिला सकते हैं। और इसको दोबारा से एक बार गूंथने के बाद में मैंने यहाँ पे इसकी 5 बराबर लोइयाँ काट ली हैं छोटी छोटी। और अब इसे हम 1/2 इंच की थिक रोटी उसमें रोटी बना लेंगे। और रोटी बनाते वक्त इसकी हमें ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे हमें परथन का इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि मैं यहाँ पे ट्विस्टर्स बना रही हूँ और मठरी बना रही हूँ इस तरह, इसलिए मैंने यहाँ पे इस तरह से 5 बराबर लोइयों में काटा है। अगर आप मठरी बनाना चाहें तो आप इसे छोटी छोटी लोइयों में काट के मठरी बना सकते हैं। अब यहाँ पे हम घी और मैदे का पेस्ट ले लेंगे और इसे रोटी के ऊपर इस तरह से लगाएंगे, क्योंकि हम इसको बेक कर रहे हैं, इसलिए इस तरह से करने से ये और ज़्यादा क्रिस्पी हो जाते हैं, नहीं तो ये बाद में जब ठंडे होंगे तो बहुत ज़्यादा कड़े हो जाएंगे। इस तरह से हम लगाते जाएंगे पेस्ट और एक के ऊपर एक रोटी रखते जाएंगे। और उसके बाद हम इसे फिर से एक बार पतली सी चपाती में बेल लेंगे। हमें इसे चारों तरफ से बराबर बेलना है। अब उसके बाद हम इसे जैसे हम नमक पारे के लिए काटते हैं उस तरह से इसको पतले पतले स्ट्राइप्स में काट लेंगे। आप चाहें तो यहाँ पे पिज़्ज़ा कटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब उसके बाद हम क्रिस्टल्स बनाएंगे। इसके लिए हम 2 स्ट्राइप्स को एक साथ ले लेंगे और उसको एक के ऊपर एक इस तरह से जैसे कर देंगे। और ये देखिए हमारा क्रिस्टल बनके रेडी हो गया है। अब इसके बाद हम एक और स्ट्राइप्स लेंगे और उसको अच्छे से ऐसे रोल कर लेंगे और इससे हम फिर लेयर्ड मठरी बनाएंगे। ये लेयर्ड मठरी बेक होने के बाद बहुत ही अच्छी लगती है। आप चाहे तो इस पे नमक पारे भी बना सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर मैंने इनको अपने मनचाहे शेप में बना लिया है। और अब इसे हम 180 डिग्री पर 10 से 12 मिनट के लिए बेक कर लेंगे। और इसे मैंने 10 मिनट के लिए पहले ही प्रीहीट कर लिया था। और OTG का टेम्परेचर अलग होता है, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपके जो भी मठरी और ट्विस्टर्स हैं वो जले नहीं। तो यहाँ पर तैयार है हेल्दी और टेस्टी सूजी के मठरी और ट्विस्टर्स। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।